शादी में जाने के लिए तैयार हुई और इतनी अच्छी साड़ी पहनी भाई, लेकिन सर्दियां थी तो सर्दियों से बचने के लिए कुछ इस तरीके से शॉल लिया जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब क्या कर सकते हो, फिर शॉल ही नहीं लेते हैं। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं कि शॉल स्वेटर नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी ठंड भी लग जाती है। तो देखिए भाई, इस तरीके से शॉल लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने साड़ी में पिन लगा लिया है, देख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका स्टॉल हो, और स्टॉल अगर बॉर्डर वाला होगा ना या हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला, तो बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए उसे मैंने डबल कर लिया है, देख सकते हैं, डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद देखिए पीछे से अपने दोनों शोल्डर पर आगे लाते हुए, और आगे जो आपका स्टॉल है ना, इसकी लेंथ बराबर हो, और देख सकते हैं इन दोनों को इस तरीके से मिलाते हुए यहां पर हम एक छोटी सी पिन लगा देंगे। देखिए अभी थोड़ा सा सही नहीं हो रहा था, और शोल्डर पर ना आप जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हो रखने पर, वहीं पर रख लीजिए। और उसके बाद इसे इस तरीके से थोड़ा सा टाइटली खींचते हुए हम एक छोटी सी सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर कर देंगे, और दोनों शोल्डर पर भी ना आप छोटी छोटी सेफ्टी पिन लगवा लीजिएगा, जिससे कि इधर उधर ना हो, बार बार आपको इसे खिसकाना ना पड़े। तो देख सकते हैं दोनों शोल्डर पर आप छोटी छोटी सेफ्टी पिन लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जब आगे जो आपने ये ज्वाइंट किया है ना, यहाँ पर एक छोटा सा साड़ी पिन या ब्रोच आपके पास जो भी हो वो लगा लीजिए, और सच में ये बहुत अच्छा लुक निकल कर आता है। और अगर एक बेल्ट हो तो बेल्ट भी लगा लीजिए, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। पर मेरे पास बेल्ट नहीं थी, तो मैं भी आप लोगों को ऐसे ही दिखा रही हूँ और बता रही हूँ कि दोनों शोल्डर पर भी अगर आप पिन लगा लेंगे तो इधर उधर नहीं खिसकेगा, अच्छे से अरेंज रहता है, और सच में ठंडी भी कम लगती है। इस तरीके से शॉल ले लीजिए और साड़ी के नीचे लेगिंग्स पहन लीजिए, तो बहुत कम ठंडी लगती है। एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। और अभी चलिए सेकेंड स्टाइल ट्राई कर लेते हैं। तो सेकेंड स्टाइल ना, अभी हाल में ही सोनाली बेंद्री जी का एक मैंने वायरल वीडियो देखा था, जिसमें उन्होंने इस तरीके से फ्री पल्लू लिया हुआ था, और एक साइड में बहुत ही हैवी सा दुपट्टा लिया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और पीछे से देखिए इस तरीके से अपने शॉल या स्टॉल को पकड़ते हुए, एक कोना पकड़ते हुए इस तरीके से देखिए साड़ी के साथ ना, ये देखिए फ्री पल्लू की साड़ी के साथ पिन लगा लिया था, पर उनका जो दुपट्टा था वो काफ़ी बड़ा था लेंथ में, तो ये पीछे से एकदम यू शेप बनी हुई थी नीचे तक, और आगे भी एकदम नीचे तक फ्लोर लेंथ तक था, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। पर मैंने ऐसे, मेरे पास इतना लंबा चौड़ा शॉल भी नहीं था, दुपट्टा भी नहीं था, पर मैंने ऐसे ही ट्राई किया। पर ये वाला स्टाइल भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस तरीके से भी ना आपकी ये जो साड़ी है, हैवी एम्ब्रॉयडरी की साड़ी है, ये भी दिखती है, और ओवरऑल शॉल से आपका थोड़ा बहुत शरीर भी ढका रहता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी गर्माहट तो बनी ही रहती है, तो ठंडी भी नहीं लगती। और जैसा कि बताया कि नीचे लेगिंग्स पहन ले तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगेगी। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, और दोनों में से कौन सा आपको अच्छा लगा ये भी बताइएगा। भाई देखिए, आप लोग लाइक शेयर कमेंट तो बिल्कुल करते ही नहीं है, तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा मुझे। तो प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो भाई फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।